बहुत मजा आ रहा। तुम तो कह सकते हो कि कितना ठंडा पानी है हूँ, जरा मैं भी जाना वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माड़े भैनों भ्राओ संगियो ते बुजुर्गो, उम्मीद करना सो सारे हैर वफियत लो सो लपाकड़े हिफ्जो अमान जो सो नुमान मुगल। अज एक नई वीडियो, अज एक नए व्लॉग नाल फिर सो हिदमत हाजिर और सौ तक करो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल नुमान मुगल ऑफिशियल। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हाँ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरबार है आज़ाद कश्मीर च, जिला कोटली चाहे इलाका शना पनाह शरीफ दरबार पर अस मौजूद हाँ। बैकग्राउंड से देख सकते हो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जी दरबार है, काफ़ी ज़्यादा इतना जी आवाम इस दरबार पर अशनी है। अंदर चल सी दरबार ना विजिट करा और बाकी जो मकामी लोग उन्होंने गलबात कर स और तुम्हारा इस दिलकश जी वादी है इसमें नज़ारा चेक करा सर। इस वादी नाल बड़ी खूबसूरत नदी गुजरी है जिसकी असं अपनी जबान जाने रंगड़, वो भी असं चेक करा स बाकी लोगों ने गल बात करने अच्छा हूँ सौ जुले हैं। पहले सही ज्यादा दरबार ना विजिट कराने हैं। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा, तू मांग तो सही दिल से वो पनाह शरीफ दरबार ने जरा ना मकामी भाई और असें मिले ना थोड़ी दरबार ने वाले ने गल बात कर सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है जी तुसा ना? सैयद अशफाक हुसैन शागिलानी। अच्छा, इस जरा ना दरबार ने मकामी हो? जी जी। अच्छा दसो कि जरा पीछे रोज़ा मुबारक है एक कड़े पीर आया जी? ये हजरत पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर गिलानी ना दरबार है जड़े। ठीक है। बड़े बुजुर्ग है साढ़े दादा जान मिये माड़े। ठीक है। ये उन्होंने दरबार है जरा सामने। बाकी जड़ा उस तरफ है? बाकी वो जनाब इन्होंने दो साहबजादे ने, एक पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी जड़े सारे थे बड़े बेटे से। ठीक है। तो एक नाल जड़ी कबर मुबारक है वो पीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी जड़े उन्होंने थे छोटे भाई से उन्होंने। बाकी और कुछ ना कुछ ना रोजा है? बाकी जनाब ये एक अगर भाई सुने कैमरा मैन जड़े ने उधर ला ना खबर एक इन्होंने जोजा मोहतरमन पीर हैदर शाह मस्त कलंदर ने ते एक बेटे पीर सैयद कादर हुसैन शाह गिलानी। तो ये दसो कि जेडे गद्दी नशीन हूँ जेडे ने तो वो कौन हैं? इसलिए जेडे गद्दी नशीन हैं वो पीर सैयद हबीब हुसैन शाह गिलानी। अच्छा। वो गद्दी नशीन है इसलिए आरिफ शाह साहब वो पाई है बड़े तो वो सजादा नशीन साढ़ा इस तरह होना सिस्टम के जड़ा बड़ा होना। ठीक है। वह ही होना अज साढ़े तीन चाचे ताए चाचे मौजूद है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर जरा नैक्सट पोर्शन जरा सरकार ने पोतरिया ने वो बाद ही चल सी गद्दी नशीन ना। जी बिल्कुल। पीर आरिफ शाह साहब नुमाइंदगी कर रहे दरबार शरीफ ने स्टेज ने हवाले न गद्दी नशीन पीर सैयद हबीब हुसैन शाह गिलानी से। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने दरबार ने हवाले ने तफसील दसी है तो हूँ तुम दरबार ने जियारत करो। अल्लाह वालियां दे नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे। अल्लाह वालियां नेड़े नेड़े आ, अल्लाह वालियां नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे। अल्लाह वालियां नेड़े नेड़े आ, अल्लाह वालियां नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे। बस अल्लाह 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 बिरद पका।
ते गम तेरे बच जान गे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे बच जान गे छज दे जमाने उत्ते सबे हेरा फेरिया रब दे इलम विच सबे गल्ला तेरिया रब दे इलम विच सबे गल्ला तेरिया कर तौबा सच्चे रब नू मना। हाँ जी बिल्कुल है माड़े भैणां भरावो संगियो ते बजुर्गो तुसां जिहड़ा ना कदीम दौरी सुनिया सी घराट जिसकी आने पन चक्की जिहड़ा मकई ना आटा बाजरे ना आटा उस तो अलावा जिहड़ा ना मक्के ना आटा जिहड़ा पीठने ने हुण दा जदीद दौर आई गया पुराने दौरे जिहड़े ना असां ने दादा पड़दादा जिहड़ा कदीम दौर होना सी बहुत ही चंगा दौर होना सी ओह जिहड़ा ना पिछे असीं बैकग्राउंड तकी रहे हो घराट मतलब कि पाणिए ने जरिए जिहड़े चक्की चली रही है पन चक्की तो जिहड़ा ना आटा पीसी रही है अंदर बंदे भी मौजूद हैं इस घराट ने मालिक उन्होंने भी गलबात कर सा और नाल जिहड़ी है इसने नाल जहाँ दरिया चली रहा पानी बड़ा तेज़ रफ्तार ने चली रहा काफ़ी खूबसूरत मंजर है उसे चेक करा सा हूँ जुले अंदर उन्होंने गलबात करने हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा हूँ घराट ने अंदर आई गए घराट ने मालिक भाई साहब और असा मौजूद न ऐसा तकी सकने हो कि मकई ने दाने लगे हुए और जो थले चक्की चली रही है और आटा बनाई रही है तो ऐसा भाई साहब मौजूद ना अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है ठीक हो क्या ना है तुसा ना जमील अच्छा जमील साहब कितने अर्से तो घराट चलाई रहे हो भीह साल हुई है क्या कोई हिसाब किताब है मन ना क्या किन्ने हो अच्छा खाली मक्के ने या बाजरे ने तो सारे सारे ठीक है एक क्या क्या मतलब मन्ने ने कितने ना पांच किलो दाने किन्ने हो ठीक है पैसे कौन किन्ने ठीक है माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त है और पे जिहड़ा दरिया है नाल कड़ा गुजरना आया रंगड़ जिसकी आने ना अपने जबान च और बाकी सब तक सकने पत्थर लगे हुए और अपर इसी क्या ने एक पे आ छप्पर का बाकी एक पे भी अपर ठीक है पर घा पे आ बाकी माशाल्लाह कितना खूबसूरत है असन जड़े ना दादा पड़दादा ने जड़ी यादगार है कदीम दौर है अजे तक भी जड़ा ना ये रवान दवा है जोश खरोश ने कितने दूरों बंदे तुसों कोल इत्थे आछने ने कोटली तक ने क्या दूरों इछने बंदे कौन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है हुण जड़ा बाहर चलने उसे विजिट कराने बिल्कुल असें घराट का चेक कराया भाई साहब और मौजूद सन मालक जड़े ने उन्होंने गलबात की और सू तकी सकने जो घराटा जो पानी आई रहा है ये कितना तेज़ पानी जड़ा आई रहा है जहरी गल है इस पानिया पर चक्की चली है और एक और इसने अगर बड़ी खूबसूरत जगह है एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी असं चेक कराने रस्ता सू तकी सकने कि काफ़ी दुशवार है अगर चलने की वह भी दसने कि वह कै एडी खास चीज़ है बाकी है माशाल्लाह जी सू तकी सकने कि साफ पानी ने जहाँ चश्मा है जो इतना करीब तरीन जड़े न इतने इलाके ने जो लोग ग्रां ने इतों जहाँ पानी पड़ता कन्ने साफ पानी बिल्कुल पीने वाला और बाकी सब तक सकने दो पैप लगे हुए हैं जिन्हें लोगों मोटर लाइया वो जो इतों पानी घर तक खन्ने तो बाकी सब तक सकने कि कदीम दौर अजे तको उसना जरा ना सकाफ जी अजें भी रवान दवा जिंदा आ। हाँ जी बिल्कुल बंदा अच्छा है वादी है कश्मीर जो है ना ये नहीं हो सकना इस टाइम असा मौजूद हाँ पनाह शरीफ दरबार पर दरबार ने कोलू जरा ना बड़ा ही खूबसूरत जी है ना नहर गुजरनी है जिसकी असा अपनी जबान चाहे रंगड़ माशाल्लाह असं तकी सकने कितना पानी तेज़ चली रहा है असा आया चलो इतना नहाई किन्ने फ्रैश हो जाने और मारना च भाई भी मारना मौजूद है माड़ा दोस्त भी मौजूद है बाकी वह भी नाचते असं भी नहाने और इंजॉय करने तो असा नाल ना रहे ए बिल्कुल एन असा ने कज़न अदनान खान और एन अरसलान मुगल माड़ा छोटा भाई है तुम तकी सकने कि फ्रैश हो रहे ना जी कैसा मज़ा आ रहा बहुत मज़ा आ रहा तुम तकी सकने कि कितना ठंडा पानी है हूँ जरा मैं भी जाना वा तो बाकी खूबसूरत नज़ारा है उच्चे उच्चे पहाड़ तो बाकी मौसम ये क्या ही बात न पट्टी पूरी साफ करो
जी बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका है, इत्थै चलियां जीपां, इत्थै 4x4 कामयाब है। हाँ जी बिल्कुल, पुराने जमाने इस तरीके ने मकान होने सन, लोग कच्चे बनाने होने सन और उन्हें पर क्या बने होने सन, ऐसे बाले लकड़ी ने ते इस तरह लकड़ियाँ पाने होने सन, थल्ला जड़ा फर्श इतने ठंडे होने सन ना कि पता लगना सी कि एसी लगे होना वै। तो पुराने जमाने जी खातीन होने सन काफ़ी ज्यादा जी मेहनती होनी सन और पनाह शरीफ पर जड़ा कच्चे मकान बने हुए। हाँ जी बिल्कुल, कदीम दौर इस तरह होने सन राह इस तरीके ने, ठीक है तको पुराने जमाने दी कुर्सियां और तंदूरियां अलवारां नियां, ठीक है कोई मशीन वगैरह भी पई भी है और तकी सकने हो कि कच्चे मकान आए हाए ते एसी यार ठंडे, बाकी ये कोई कदीम जमाने ने जड़ा समान वगैरह पे है और जड़ा ना मंज भी बद्दी भी है इन्ना, ते बाकी मिट्टी ने तको घर ते है मकान चेक करो आए हाए बहुत ही खूबसूरत है, पत्थरों ना बनते आ, वाह जी वाह क्या बात है। कदीम जमाने जिस तरह होना सी तको अजे तक जड़ा ना ये जोर शोर नाले सिलसिला जारी है, अजे तक भी लोग जेडे पहाड़ा च कच्चे मकान बनाने तको जी मिट्टी ना ढारा बनते आ। हाँ जी बिल्कुल, माड़े भैनों भ्राओ संगियो ते बजुर्गो, अज असा आए सा पनाह शरीफ दरबार पर, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरबार है, इतना सलाना उस मुबारक भी होना है, काफ़ी ज्यादा मखलूक की तशनी है, बड़े दूर दूर तो हवा मचनी है और इतना लंगरना भी बड़ा खुशी जरा इंतजाम होना है, ते जैसा कि असा लंगर भी खादा उसने चेक भी कराया और दरबार ने जियारत भी कराई है और इस दरबार ने कोलू जड़ा एक बड़ा सोहना जड़ा ना जिसकी आने ना रंगड़ ओ गुजरना है, असा उतें नहाते भी आए, काफ़ी ज्यादा इंजॉय की है, बड़ा खूबसूरत इलाका और इस इलाके ने भी जड़ा ना बड़े खूबसूरत जड़े उच्चे उच्चे पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत इलाका असें बहुत ज़्यादा पसंद आया, ते तुसें ये उम्मीद करना पसंद आया उसी, अगर तुसें साड़ी वीडियो पसंद आई है ते वीडियो ज़्यादा शेयर करे, वीडियो की लाइक करे ते अपनी राय ने इजहार जड़ा असें नीचे कमेंट बॉक्स च लाजमी दिया है, असने यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब करी कि नाल बेल आइकन की लाजमी प्रेस करे ताकि असली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन से आसानी मिली जाए। अल्लाह ने कि बान।